सरदारजी का क्या? सरदारजी को प्यार मोहब्बत से शरबत पिला रहे, क्या बात है। ओहो क्या बात है। तो जैसे गाइस यहाँ पे पीने के लिए जंग छिड़ गई, सरदारजी भी आए हुए पीने के लिए, एक और आया मोहब्बत से शरबत पीने। इतनी मोहब्बत इसको बढ़ गई है कि दो दो गिलास एक साथ। कैसी लग रही है भाईजान की मोहब्बत? बहुत टपा टप बरस रही है इसमें। बहुत मजा आ गया यहाँ पे। मुंह से भी टपा टप निकल रहा धूप। तो जैसे ही गाइस आज हम आ गए हैं दिल्ली के फेमस मोहब्बत शरबत पीने, जो कि जामा मस्जिद के वहाँ पे। आप लोगों ने शरबत तो बहुत जगह पिया होगा, लेकिन ऐसा शरबत कहीं नहीं पिया होगा। वर्ल्ड फेमस शरबत है ये मोहब्बत शरबत। तो चलते हैं और किस तरीके से बनाते हैं भैया आप लोगों को दिखाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना। तो जैसे सबसे फेमस मोहब्बत शरबत पीना है। अभी हमारे दोस्त आया करेंगे, बिल्कुल ही मोहब्बत से मिलाते हैं। कौन सा है, मोहब्बत है या नफरत वाला? मोहब्बत है शरबत। हाय हाय, काफी फेमस शरबत है। ओहो, एक के बाद एक। तो जैसे कैसे आप लोगों को बताऊँ, यहाँ का जामा मस्जिद काफी फेमस शरबत है और ये अंकल भी काफी फेमस है यूट्यूब पर। इनसे मिलना था और मैं मिले, मोहब्बत है शरबत। ये वीडियो तो वायरल जानी चाहिए, हमसे 50,000 व्यूज आने चाहिए गाइस इस पर। बहुत मेहनत से ढूंढा मैंने इनको। ये देखो स्टाइल, देखो इनकी भाई जान, क्या हो मोहब्बत शरबत, काफ़ी प्यार से मिलाते हैं। जैसा अपने भाई लोग हैं काफ़ी प्यार से मिलाते हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हो कुछ ही देरी में कितनी भीड़ लग गई है मोहब्बत शरबत पीने के लिए, काफ़ी ज़्यादा फेमस है दिल्ली में जामा मस्जिद के पास में। ये देखो भीड़ देखो आप लोग, मोहब्बत शरबत पीने की भीड़ देखो। ऐसा लग रहा है जैसे फ्री में बात कर रहे हैं। भीड़ देखो आप लोग मोहब्बत शरबत पीने की। ये देखो ये भाईजान को मिलाने जा रहे हैं। ये स्टाइल देखो, स्टाइल की वजह से ये काफ़ी फेमस है पूरे दिल्ली में मोहब्बत शरबत। ऐसे तो काफ़ी सारी दुकानें हैं यहाँ पे लाइन से आप लोगों को देखने को मिलेगी, लेकिन ये जो इनके स्टाइल है ना, इनकी वजह से तो जैसे कि यहाँ पे पीने के लिए जंग छिड़ गई है, सरदार जी भी आए हुए पीने के लिए। और ये देखो ये भाई पी रहे हैं, ये देखो वीडियो के लिए आया सरदार जी का। क्या सरदार जी को प्यार मोहब्बत से शरबत पिला रहे, क्या बात है। ओहो क्या बात है, मोहब्बत से शरबत बढ़ती है यहाँ पे। ये देखिए एक और आया मोहब्बत से शरबत पीने। अब ये मेरा भाई अलवेश यादव है, ये भी मोहब्बत से पिएगा जाके। इतने आसानी से प्यार से नहीं मिलेगा, प्यार से मिलेगा। अबे भाई इतनी मोहब्बत इसको बढ़ गई है कि दो दो गिलास एक साथ, एक के साथ एक फ्री, क्या बात है। टपा टप मोहब्बत है ये। हाँ देखिए दो दो गिलास एक साथ भाई को मोहब्बत में पिला दिया। एलविश कैसा लग रहा है? काफी मजा सही है यार, यहाँ पे काफी दूर दूर से लोग आते हैं। कैसी लग रही है भाईजान की मोहब्बत? बहुत टपा टप बरस रही है इसमें। बहुत मजा आ गया यहाँ पे। मुंह से भी टपा टप निकल रहा धूप। खतरनाक बोल गया। और हमारे भाई लोग भी आए हैं। सरदार जी कैसा लग रहा है मोहब्बत? एक नंबर भाई, एक नंबर। मोहब्बत ही मोहब्बत है, इनका पैटर्न लगा टपा टप। सही है भाई, क्या कह रहे हैं आप, आते रहते हैं आप? चलिए बढ़िया है, मतलब जो भी आता है इनके रंग में रंग जाता है। हाँ सही है सही है, जो भी आएगा इनके रंग में रंग जाएगा। सही है भाई, भाई शरबत है मोहब्बत के बाद में नफरत भी, देख सकते हो इनके भाई के पास में। ये दोनों भाई हैं, देखो भाई आप नफरत वाली भी बनाते हो, तो ये नफरत का शरबत किस तरीके से बनता है फिर? भूल गए क्या? अरे यार नहीं, देखो यहाँ पे नफरत और मोहब्बत का दोनों शरबत बनता था, और अभी भी भाई बनाते हैं, ऐसी बात नहीं, पर अभी बना नहीं रहे, अभी बना नहीं रहे, बनाते थे भाई। मेरी बात सुन, भाई कह रहे नफरत की बनाना बंद कर दिया, अभी सिर्फ मोहब्बत ही चल रही है। भाई मोहब्बत ही बांटनी चाहिए, नफरत बंद कर रही है। सही है सही है, तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग दिल्ली या किसी भी शहर में घूमने जाते हो तो आप लोगों को बैटरी रिक्शा भी मिल जाएंगे, टेम्पू वगैरह भी मिल जाएंगे, लेकिन आप लोग जो ये पेड़ से रिक्शा चलाते हैं, अगर उन
लोगों की आप लोग मदद करोगे तो काफी अच्छा होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये इतनी मेहनत करते हैं और इन रिक्शा में लोग बैठना कम पसंद करते हैं। मैंने देखा लोगों को, हम ही नहीं झाड़ते, लेकिन ये आपके कम बजट में भी रहेगा और आप लोगों को थोड़ा टाइम लगाएगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि भाई ये मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं और पैसे भी कम लेते हैं, और जहाँ मेहनत कम है पैसे ज्यादा है, तो भाई ये चीज को समझो। और मैं तो ये कहूँगा बैटरी रिक्शा या फिर किसी में भी घूमो, आप कार में घूमो, अवॉइड करो थोड़ा। हाँ, पर आप लोग साइकिल रिक्शे में जब घूमते हो ना तो उसका मजा ही कुछ और आता है, मतलब सारा व्यू दिखता है आराम से, मतलब थोड़ा स्लो चलता है तो सब चीज़ों को समझने की समझ भी सकते हैं, अच्छा लगता है। मतलब आप इसमें जाकर घूमें और इन्जॉय लें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, क्योंकि इनका सारा कोई और दूसरे काम है। अगर हम इनके साइकिल रिक्शे में बैठेंगे ना तो ये अपने बच्चों भी बच्चों का पेट पालते हैं और अपना घर कैसे चलाते हैं, और हम ही अवॉइड कर देंगे, हम नहीं बैठेंगे तो फिर इनका घर कैसे तो सब चलेगा। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और इसी के साथ में हमने जामा मस्जिद मोहब्बत शरबत पी लिया, खाना खा लिया, अब हम आ गए चौड़ी बाजार फेमस इधर का, अब हम आ गए चौड़ी बाजार, और आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए बाय।